आईपीएल 2020 की नीलामी 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली है। और दोस्तों, इस आईपीएल की ऑक्शन से पहले सभी टीमें अपनी टीमों में से काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर करने वाली है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जिनको आईपीएल 2020 की ऑक्शन से पहले सभी टीमें अपनी टीम में से रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी खिलाड़ियों के बारे में एकदम सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, अगर इस लिस्ट में हम सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम भी आईपीएल ऑक्शन से पहले कुल 6 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है, जो कि होने वाले हैं दोस्तों, एक तो शशंक सिंह, लियाम लिविंगस्टोन, प्रशांत चोपड़ा, स्टुअर्ट बिनी, शुभम रांजने और साथ ही साथ एश्टन टर्नर। तो दोस्तों, इन 6 खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले रिलीज कर सकती है। तो दोस्तों, अब अगर हम इस लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करें तो दोस्तों, दिल्ली की टीम भी आईपीएल ऑक्शन से पहले कुल 6 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है, जो कि होने वाले हैं दोस्तों, मंजूत कालरा, कॉलिन मनरो, जलज सक्सेना, सुचित बंडारू अयप्पा और साथ ही साथ नाथू सिंह। तो दोस्तों, इन 6 खिलाड़ियों को कन्फर्म रूप में दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल ऑक्शन से पहले रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों, अब अगर हम अगली बार सनराइजर हैदराबाद की टीम की बात करें तो दोस्तों, हैदराबाद की टीम अगले साल कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करने वाली है। मात्र 4 खिलाड़ियों को एसआरएच की टीम रिलीज करने वाली है, जो कि होने वाले हैं दोस्तों, एक तो रिकी बुई, मार्टिन गप्तिल, टी नटराजन और साथ ही साथ बेसिल थम्पी। इनको दोस्तों एसआरएच की टीम रिलीज कर सकती है और कुछ नए विकल्पों की तरफ एसआरएच की टीम मूव कर सकती है। तो दोस्तों, अब अगर हम अगले बार केकेआर की टीम की बात करें तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अगले साल काफी सारे बदलाव कर सकती है। कुल 9 खिलाड़ियों को केकेआर रिलीज कर सकती है, जो कि होने वाले हैं दोस्तों, एक तो निखिल नायक, जो डेनली, श्रीकांत मुंदे, कार्लोस ब्राथवेट, संदीप वॉरियर, हैरी गर्नी, केसी करियप्पा, यारा पृथ्वीराज और साथ ही साथ मैथ्यू कैली। तो दोस्तों, इन 9 खिलाड़ियों को कोलकाता की टीम आईपीएल ऑक्शन से पहले रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों, अब को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात करें तो दोस्तों, चेन्नई की टीम भी ऑलमोस्ट अगले साल अपना सेम स्क्वाड रखने वाली है। ज़्यादा बदलावों की गुंजाइश हम हैदराबाद की टीम से नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, चेन्नई की टीम मात्र 4 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है, जो कि होने वाले हैं दोस्तों, एक तो ध्रुव शौर्य, ऋतुराज गायकवाड़, स्कॉट कुगलेजियन और साथ ही साथ मोनू कुमार। तो दोस्तों, इन 4 खिलाड़ियों को चेन्नई की टीम रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों, अब अगर हम आगे बढ़े तो अब अगर हम किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की बात करें तो दोस्तों, पंजाब की टीम भी बहुत सारे बदलाव करने वाली है। कुल 10 खिलाड़ियों को रिलीज करने की केकेएसआईबी की उम्मीद है, जो कि होने वाले हैं दोस्तों, एक तो सरफराज खान, डेविड मिलर, गुरुसिमरन सिंह, मोइसेस हेनरिक्स, हरप्रीत बरार, एंड्रयू टाई, हारदास विजलॉयन, वरुण चक्रवर्ती, दर्शन नालाकंदे और साथ ही साथ अग्निवेश अयाची। तो दोस्तों, इन 10 खिलाड़ियों को रिलीज करके पंजाब की टीम नए विकल्पों के अपनी टीम में शामिल कर सकती है। तो दोस्तों, अब अगर हम पंजाब की टीम के बाद मुंबई इंडियंस की टीम की बात करें तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम भी अगले साल से पहले कुल 8 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, जो कि होने वाले हैं दोस्तों, एक तो इवन लॉयस, अनमोल प्रीत सिंह, आदित्य रॉय, अनुकुल रॉय, जेसन बैरनड्रॉफ जो कि चोटिल हो चुके हैं, रसिक सलाम, जयंत यादव और साथ ही साथ युवराज सिंह। युवराज सिंह दोस्तों अब आईपीएल में खेलने के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं, बाहर की टी20 लीग में वो खेल चुके हैं, तो अब मजबूरन मुंबई को इनको भी रिलीज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब अगर अंत में हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात करें तो दोस्तों, आरसीबी की टीम अगले साल कुल 8 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी, जो कि होने वाले हैं दोस्तों, हिम्मत सिंह, मिलिंद कुमार, कॉलिन डे ग्रैंडम, अक्षदीप नाथ, पवन नेगी, कुलवंत खिजरोलिया, मोहम्मद सिराज और साथ ही साथ टिम साउदी। तो दोस्तों, इन 8-9 खिलाड़ियों को रिलीज करके आरसीबी की टीम भी एक बड़ी ही तगड़ी टीम खड़ी कर सकती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी अगले साल की ऑक्शन में सबसे महंगा बिक सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।